हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है एम्पलीफायर बोर्ड का, जो कि एमोजेंस, आज मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा क्वालिटी का बोर्ड रहने वाला है। मैं इस बोर्ड को मंगा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना प्राइस नहीं है। आपके पास इतना प्राइस है, मंगा सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बोर्ड आपको दिखाने वाला है, जो कि 100 वाट का आउटपुट मिलेगा, जिसमें 10 इंची 12 इंची का स्पीकर इजीली बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बजा पाएंगे, जो कि इजीली ये सब आईसी जो है बड़े बड़े एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोनी का होम थिएटर हो गया या ब्रांडेड होम थिएटर हो गया, ये सब में ये सब आईसी का यूज किया जाता है, जैसे कि 7294। इसका डाटा शीट में आप जाके देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अमेजन में बहुत ढूंढने के बाद मुझे एम्पलीफायर का बोर्ड मिला। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। बहुत ढूंढने के बाद यहाँ पर बहुत सारा बोर्ड का देख रहे हैं इस प्राइस के रेंज में। तो एक के नॉर्मल प्राइस जो है यहाँ पर देखिए 1700-1800, इस तरह का बोर्ड का टक्कर वाली बोर्ड मैं आपको मात्र 700 रुपये में अमेजन से दिलाऊंगा। तो चलिए आगे वीडियो को आपको दिखाते हैं। इस बोर्ड का जो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। बहुत ही खोजने के बाद मुझे ये वाली बोर्ड मिला है बहुत ही कम रेट में। ये 7265 का, ये भी एक लेवल में ठीक ही है, लेकिन इसमें वाटेज कम है। और ये आप अगर बनाना चाहते हैं नॉर्मल एम्पलीफायर तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इससे भी कम रेट में आपको अच्छी बोर्ड दिलाऊँगा। हाँ, इसका बोर्ड का फिनिशिंग बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ख़राब है, और थोड़ा बहुत फिनिशिंग के हिसाब से रेट का जो होना चाहिए वो होना है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम प्राइस में रेट है। क्योंकि मुझे भी पता है कि आईसी का जो प्राइस कितना होता है जनरली 7294 का, तो दो आईसी का ही प्राइस 300-600 रुपये हो जाता है, तो 700 रुपये में बोर्ड मुझे कैसे मिल जाएगा। तो जिसके वहाँ पर रेट कम है 7294 का, उसके लिए तो पॉसिबल है ये बोर्ड को बना के सेल करना, लेकिन जनरली मार्केट में इस आईसी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्रेंड, ये 7294 का इस बोर्ड का प्राइस 1700 रुपया, इस बोर्ड में क्या है, आखिर कुछ तो है तभी तो 1700 रुपया है। इस बोर्ड में क्लेट्रॉन का सारा सामान यूज किया हुआ और कैपेसिटर है अच्छी क्वालिटी का, उसके बाद फ्रेंड बोर्ड का फिनिशिंग है, तो सारा चीज़ लेके उसके बाद हीट सिंक प्लेट है इसमें। तो ये वाली बोर्ड का भी परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको भी ले सकते हैं, और इसका जो प्राइस है 1700 रुपये आप देख भी पा रहे हैं। और फ्रेंड, 100 वाट के रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, जो कि 100 वाट से रिलेटेड में जो है, ये सारे 100 वाट का रिलेटेड वाली मैं आज दिखा रहा हूँ, जो कि आईसी से रिलेटेड है, ट्रांजिस्टर से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बहुत खोजने के बाद आपके लिए बहुत ही कम रेट का मैं ढूँढ पाया हूँ, जो कि मुझे व्हाट्सअप में एक लिंक आया किसी कस्टमर के थ्रू कि ये बोर्ड बहुत ही कम रेट में है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये बोर्ड है, आप इसके लिए एक वीडियो बना दो, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये बोर्ड है, ताकि लोग भी इसको ले सकें और इसको परचेज करके इजीली अपना चला पाए। मुझे इस बोर्ड के लिए कोई स्पॉन्सरशिप होता जो एड करने के लिए, मुझे कुछ नहीं मिलता है, आपके लिए ही वीडियो को बनाया हूँ, इतना कम रेट में है, लूट लो बोर्ड को या परचेज कर लूँ। तो इस बोर्ड में हीटसिंक प्लेट का कमी है फ्रेंड, हीटसिंक प्लेट आप इसमें बड़ा लगाएं, क्योंकि इसे ए वाले ऐसी जो है बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, जिसके कारण से बोर्ड का प्राइस हो सकता है कि कम हो। उसके बाद फ्रेंड, बोर्ड का फिनिशिंग उतना कोई खास नहीं है, नॉर्मल फिनिशिंग है, फिर भी मुझे क्या मतलब है फिनिशिंग से, मुझे मतलब है साउंड से। अगर आपको भी मतलब है साउंड से तो इस बोर्ड को परचेज कर सकते हैं। इसमें दो कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर को इंक्रीज कीजिए, डायोड लगा हुआ, डायोड भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं डायोड में, नॉर्मल है तो भी, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर इंक्रीज कीजिए, आपका साउंड इंक्रीज होगा, आपका बोर्ड अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ये बोर्ड जो है फ्रेंड मात्र 700 रुपये, 50 रुपये डिलीवरी चार्ज, 750 रुपये के अंदर में ये बोर्ड आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस बोर्ड का डायग्राम और कनेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्शन, आप वीडियो का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, डायग्राम को पहले समझाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसका डायग्राम को मैं समझा देता हूँ, इस एम्पलीफायर बोर्ड का, जो कि अमेजन से आपको दिखाया कि ये बहुत ही लो प्राइस में आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस का ये बहुत ही अच्छा बोर्ड है, और इसका कनेक्शन को मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, यहाँ पे चार ठो डायोड लगे हुए, नॉर्मली डायोड है, लेकिन आपका बोर्ड के हिसाब से ठीक ही है और अच्छी क्वालिटी का इसमें पावर मिल जाएगा। ये डायोड इजीली बहुत ही कम रेट का है, इसी हिसाब से इस बोर्ड को कम रेट में बना पाया, और फिर भी बहुत ही कम प्राइस में इसको दे पा रहे हैं। यहाँ पे कैपेसिटर ये वाली सिर्फ चाइना वाली, फिर भी ये सब क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा। इस जगह में आप इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटर लगा लेंगे मॉडिफाई करके, और 6000 या थोड़ा सा इससे ज़्यादा हाई पावर का कैपेसिटर लगा लेंगे। 50 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा, 4700 VF का दो कैपेसिटर लगा देंगे, काफ़ी हो जाएगा।
या उससे ऊपर लेवल का दो कैपेसिटर यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे इसको हटा के, ताकि आपका इस बोर्ड को अच्छी आउटपुट मिल पाए। यहाँ पे 7294 का आईसी लगे हुए दो, ये 7294 का जो कि मैं आपको दिखाया, और यहाँ पे सब कंट्रोलर सब एक इक्वल में लगे हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको साउंड अच्छे तरीके से मिल जाएगा। फिर अब चलिए मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ इसका कनेक्शन कहाँ से कैसे होगा। तो पहला कनेक्शन में फ्रेंड ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाएंगे, 5 से 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, 8 एम्पीयर कोई भी लगा दें। ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होगा फ्रेंड 24024, एक्चुअली में 24024 होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा वोल्टेज इस बोर्ड के लिए सही नहीं है। 24024 का ट्रांसफार्मर इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो 24024 में फ्रेंड यहाँ पर 220 वोल्ट का दो वायर रहेगा, और ट्रांसफार्मर का जो 3 वायर जो है 24024 रहेगा, ये 24024 कुछ इस तरीके से वायर रहेगा। जो जीरो वाले पॉइंट, बीच वाले जो पॉइंट रहेगा फ्रेंड, ये आपका इस वाली पॉइंट में जुड़ेगा जो नेगेटिव, अर्थात ये वाली ब्लैक वाली पॉइंट में, जो कि कैपेसिटर में अगर देखा जाए ये दोनों का कैपेसिटर में, तो एक कैपेसिटर दो यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर का जो ए वाली पॉइंट है और एक सेकेंड कैपेसिटर का ए वाली पॉइंट है, दोनों आपस में शॉर्ट होना चाहिए, वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है फ्रेंड। तो वही नेगेटिव पॉइंट को मैं यहाँ पे लगाया हूँ। बाकी फ्रेंड डायोड का जो है, ये डायोड का ये दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक ब्लू और एक रेड, ये ब्लू और रेड में ये वाले दो पॉइंट कनेक्ट होगा। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर, ये डायोड जो है ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू यहाँ पर 24024 बनेगा, यहाँ पर डीसी करंट बन जाएगा। ये आपका जो है ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है फ्रेंड, ये हमारा एसी करंट आ रहा है, एसी को यहाँ पर डीसी बन के ये बोर्ड को पूरा सप्लाई चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये बोर्ड हमारा चालू हो जाएगा। अब स्पीकर आउटपुट कहाँ से लेंगे, ये जो दो वायर दिया हुआ है ये स्पीकर आउट का है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव जो स्पीकर में आप कोई भी लगा लीजिए, आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड, यहाँ पर लेकिन दिया हुआ है। ये स्पीकर का पॉइंट एक ही है, ये दो पॉइंट जो है ये कलर सेम है, ये दो कलर वाले सेम पॉइंट जो है, यहाँ पर डायग्राम आपको सही से दिखा रहा हूँ, यही दो पॉइंट में आपका स्पीकर लगेगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड इनपुट कहाँ से देंगे, इनपुट के लिए फ्रेंड ये वाली पॉइंट, एक ये वाली पॉइंट, ये लेफ्ट या राइट, ये दो पॉइंट हो गया, और ये बीच वाली फिलहाल ग्राउंड, ये जो तीन वायर दिया हुआ है इसमें इनपुट ब्लूटूथ साउंड इनपुट करेंगे, जिसका ऑडियो इनपुट होगा यहाँ पे फ्रेंड, तो जिससे फ्रेंड यहाँ पे आप अपना काम को यहाँ पे साउंड इनपुट करके अपना बोर्ड को चला पाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बोर्ड यहाँ से वर्क करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आप इस बोर्ड को लेना चाहते हैं, अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली परचेज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।